जुलाई 25 तारीख में विधानसभा उपस्थापन हो बजेट राज्यर नुआ सरकार प्रथम बजेट तेणु नुआ योजना बजेट रे व्ययबराद करिबे सरकार एने बजेट प्रस्तुति परामर्श बैठक में विशेषज्ञों परामर्श लोड़ी मुख्यमंत्री मोहन माझी तेरे नुआ योजना कार्यकारी करने को आवश्यक अतिरिक्त 70,000 कोटी टंका तेणु अर्थ किपर भरणा हेबो से नहीं सरकार को परामर्श देखते विशेषज्ञ नुआ सरकार का प्रथम बजेट नुआ योजना पाई होई पारे व्ययबराद आवश्यक अतिरिक्त 66,000 रु 70,000 कोटी विशेषज्ञ परामर्श लोड़िले मुख्यमंत्री आसंता 22 तारीख रु विधानसभा बजेट अधिवेशन आउ 25 रे 2024-25 वर्ष पाई बजेट उपस्थापन करिवे नुआ सरकार कुहा जाउछि कि प्रतिश्रुति मुताबक सुभद्रा योजना धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका मासिक 3000 टंका भत्ता श्रीमंदिर पाई स्वतंत्र कर्पस फंड भली अनेक नुआ योजना पाई बजेट व्ययबराद करिपारंती सरकार एथुरु अनेक योजना को कैबिनेट अनुमोदन मिलिथिबारु एथर बजेट रे अर्थ बराद हेबा एक प्रकार स्पष्ट तबे पूर्वतन अर्थमंत्री आकलन करिछंती सबु योजना कार्यकारी हेले आवश्यक पड़िबो अतिरिक्त 66,000 रु 70,000 कोटी टंका एही अर्थ किपरि भरणा हेबो बजेट प्रस्तुति परामर्श बैठक रे से नै भी सरकार को परामर्श दैछंती मुख्यमंत्री भी नुआ योजना कार्यकारी नहीं संकेत देखते एथर बजेट रे लोकों आशा प्रतिफलन हो बैठक पर मुख्यमंत्री से समस्त मतामत प्रस्ताव को आम विभाग तरफ लिपिबद्ध कराक विचार करी आगामी दिन में जो आम बजेट आसबार अच्छी मतामत को निश्चित भाव आम यथासंभव ए प्रतिफलित करने आम चेष्टा करू आई जो लोकंर बजेट जो भाव आज लोकं प्रस्तुत होगा जाऊँगी ता निश्चित भाव आगामी दिन में ओडिशा को नुआ ओडिशा गठन करिवारे सहायक हम प्राय 66,000 कोटी टंका आवश्यक हम सुभद्रा पाई देबे 50,000 भाउचर वार्धक भत्ता बढ़े 3,000 करिबे एवं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देबे जो धान क्रय करिबा पाई जो सब रही फ्लैगशिप प्रोग्राम सब रही निर्वाचन प्रतिशत रही आम देखु खबरकगज पढ़ु पचार आज प्राय 66,000 रु 70,000 कोटी पर्यंत आवश्यक हम ये जो फोकस कर 2,55,000 कोटी टंका भोट रेकॉर्ड कर से जो राजस्व हो राजस्व संग्रह भल भल उत्साहजनक 20-22% हो सब कथा को एकमत करने बड़ बजेट पड़ो बड़ राजस्व आदाय पड़ो बजेट उपस्थापन पूर्व पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थ सचिव विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों परामर्श लोड़ी सरकार परामर्श बैठक में 150 रु अधिक अर्थ विशारद और विशेषज्ञों मुख्यमंत्री आलोचना कर प्राय अधिकांश गोटे मत दे नुआ योजना कार्यकारी अर्थ बड़ चैलेंज हम किंतु राज्यर आर्थिक स्थिति सुच्छल थिबा बेले आर्थिक परिचालना उपरे गुरुत्व दि जाएगी विशेषज्ञ परामर्श दे रियालीटी रिविजन केन्द्र सरकार के निकट राज्य दाबी रखा आवश्यक राज्यर केन्द्र सरकार आदाय करेस्रु किसी अंश राज्य को मिलवा आवश्यक बंद होता खणि और शिल्प कार्यक्षम करने भित्तिमि सुदृढ़ीकरण करा दरकार यह केन्द्र सरकार का स्वतंत्र अनुदान आवश्यक बोली परामर्श देखते विशेषज्ञ राज्य सरकार केन्द्र सरकार पाखे दाबी उपस्थापन करूँ रॉयल्टी रिविजन हो गले अधिक रिसोर्सेस पाई द्वितीय केन्द्र सरकार सेस आदाय कर विभिन्न क्षेत्र सेस आदाय कर किंतु राज्य सरकार कि दौना एवं बड़ कथा कही केन्द्र सरकार बर्तमान उभय जगार गोटे सरकार है केन्द्र जो सरकार राज्य भी सी सरकार तेणु केन्द्र पाखु जो स्पेशल कैटेगोरी स्टेट दाबी थी आणतु स्पेशल पैकेज आणतु स्पेशल फोकस किसी कर राज्यर अर्थनीति की समृद्ध करने
ଯାହା 2,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜେଟ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ଆଭାସ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କହିବି ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ଦରକାର ଆମକୁ, ଆମକୁ ସମ୍ବଳର ବି ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ନହେଲେ ବି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜେଟ୍ର ସାଇଜ୍ଟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦେଖାଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ବି ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 12,000 ମତାମତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।